हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज के इस वीडियो में हम लोग नवंबर लास्ट वीक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले 3 हफ्तों की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उसका वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। लास्ट वीक का रह रहा था तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ में अभी दिसंबर 1st वीक का भी रह रहा है, वो भी हम लोग बहुत ही जल्दी डिस्कस कर लेने वाले हैं। एग्जाम से पहले होपफुली हम उसको वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। और ये वीडियो अपलोड होने के 1-2 घंटे के बाद में इस पूरे नवंबर मंथ की जो PDF है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे या फिर हमारा फेसबुक ग्रुप है वहाँ पर हम लोग इसको डाल देंगे। फेसबुक ग्रुप भी है हमारा, फेसबुक पेज है, इंस्टा पर भी मैं पाया जाता हूँ, व्हाट्सअप नंबर है, ट्विटर पर भी है। तो सारी सोशल मीडिया लिंक जो है वो नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग जहाँ से इजीली कनेक्ट हो सकते हैं वहाँ से इजीली कनेक्ट होकर इसकी PDF वगैरह ले सकते हैं। बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, क्वेश्चन से चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन में बोला गया है, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज़ अप्रूव्ड ए 50 मिलियन USD पॉलिसी बेस्ड लोन टू बूस्ट वेस्ट बंगाल्स डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक फाइनेंस रिफॉर्म्स, ठीक है। हिंदी में अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन की तो हिंदी में इसका मतलब हो जाएगा कि किस वित्तीय संस्थान ने सार्वजनिक वित्त सुधारों के लिए पश्चिम बंगाल के डिजिटल प्लेटफॉर्मों को बढ़ावा देने के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नीति आधारित ऋण को मंजूरी दी है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, ये अमाउंट आप लोग याद रखिएगा 50 मिलियन, ठीक है, 50 मिलियन, 50 मिलियन। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज अप्रूव्ड ए 50 मिलियन पॉलिसी बेस्ड लोन टू बूस्ट दी वेस्ट बंगाल डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक फाइनेंस रिफॉर्म। पब्लिक फाइनेंस रिफॉर्म्स के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को जो है उसको बढ़ावा देने के लिए कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने 50 मिलियन USD का पॉलिसी बेस्ड लोन जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को दिया है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और ये तमाम सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑप्शन में दिए गए हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर बी एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका आंसर हो जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी 50 मिलियन USD का लोन, अगर हम लोग INR में बात करें इसकी तो 370, ठीक है, 370 करोड़ रुपए, ये INR में इसकी बात होगी। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 50 मिलियन USD या फिर ये कहें कि 370 करोड़ रुपए का जो है ये पॉलिसी बेस्ड लोन जो है वो वेस्ट बंगाल के पब्लिक फाइनेंस रिफॉर्म के डिजिटल प्लेटफॉर्म को बूस्ट करने के लिए ये दिया हुआ है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को डिजिटली और ज़्यादा बूस्ट किया जाएगा इसके तहत में, ठीक है। सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट्स जैसे कि पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ई टैक्स फाइलिंग, रेवेन्यू कलेक्शन, इन सारी चीज़ों को जो है इसके माध्यम से बूस्ट किया जाएगा। वेस्ट बंगाल की बात हुई है यहाँ पर तो जगदीप धनखड़ इसके गवर्नर हो जाएंगे। बाकी CM कौन है, कौन कौन से नेशनल पार्क यहाँ पर पाए जाते हैं, क्या सारी और चीज़ें, वो स्टैटिक वाला जो पोर्शन है वो आप लोगों को अगर कुछ याद आ रहा है तो कमेंट कर बताइए। फिलहाल इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी कहाँ है ये आप लोगों को दिमाग में आना चाहिए। तो पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो पता करिए, पिछले वीडियोज़ में लगातार ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस व्हाट इज़ द इंडिया GDP फोरकास्ट फॉर द फिस्कल ईयर 2020, ठीक है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस के अनुसार वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत की GDP का पूर्वानुमान क्या है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और इसका जो आंसर होगा -10.6%, ऑप्शन नंबर ए -10.6% इसका आंसर हो जाएगा। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने अभी हाल ही में अपना रिवाइज्ड GDP प्रोडिक्शन जो है वो रिलीज किया हुआ है जिसके अनुसार फिस्कल ईयर 2020 यानी कि अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 21 तक का जो एरिया ड्यूरेशन होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिस्कल ईयर 2020, ठीक है। तो जो अपनी रिवाइज्ड GDP प्रोडिक्शन रिलीज की गई है इसके मूडीज के द्वारा, उसके अनुसार फिस्कल ईयर 2020 में इंडिया की GDP में 10.6% की कमी का अनुमान है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर भी हो जाएगा यही, ठीक है ना, यानी कि -10.6% जो है वो इंडिया की GDP रहेगी। और पहले यह अनुमान जो था वो कितना था, पहले यह अनुमान था -11.5% का। बोला गया ना कि रिवाइज्ड GDP प्रोडिक्शन है तो पहले जो है -11.5% की कमी का रहने का अनुमान था, ठीक है। बाद में जब इसको रिवाइज्ड किया गया तो ये -10.6% की कमी का अनुमान हो गया, ठीक है। और इसी रिपोर्ट के अनुसार फिस्कल ईयर 2021-22 के दौरान, ये किसकी बात हुई, 2020 की, और फिस्कल ईयर 2021-22 के दौरान जो है वो इंडिया की जो GDP रहेगी वो 10.8% ग्रो करने का अनुमान है, यानी कि +10.8% रहेगी इंडिया की GDP जो है वो 10.8% ग्रो करने का अनुमान है। जबकि पहले यह अनुमान कितना था, पहले यह अनुमान जो था 10.6% ग्रो करने का था, 10.6% ग्रो करने का अनुमान था पहले, लेकिन जब ये रिवाइज्ड GDP प्रोडिक्शन रिलीज किया गया मूडीज़ के द्वारा तो ये +10.8 यानी कि 0.2% का इजाफा हो गया है। और साथ साथ में भी कुछ और कंपनीज़ ने अपने GDP प्रोडिक्शन वगैरह रिलीज की, हालांकि जो दिसंबर वाला हम लोगों ने वीडियो डिस्कस किया था, ठीक है, वहाँ पर ये सारे अपडेटेड वीडियो, इसका अपडेटेड GDP प्रोडिक्शन भी जो है वो आप लोगों को बताया गया है। तो ज़रूरत नहीं हम यहाँ पर पिछले
और जो रेटिंग क्रेडिट रेटिंग कंपनीज है उनके द्वारा दी गई जो भी जीडीपी प्रोडिक्शन है उसको हम लोग यहाँ पर जाने, क्योंकि दिसंबर में हम लोगों ने अपडेटेड जीडीपी प्रोडिक्शन जान लिया है और एग्जाम में वही काम में आने वाला है। यहाँ पर मूडीज़ की बात हुई थी तो मूडीज़ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में हो जाएगा, ठीक है, न्यूयॉर्क यूएसए में जो है ये मूडीज का हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टू लॉन्च प्रोजेक्ट किराना अंडर द वुमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी इनिशिएटिव WGDP इनिशिएटिव व्हिच फाइनेंशियल सर्विस कंपनी हैज पार्टनर्ड विद द यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID, ठीक है, महिलाओं के वैश्विक विकास और समृद्धि पहल WGDP की पहल के तहत प्रोजेक्ट किराना लॉन्च करने के लिए किस वित्तीय सेवा कंपनी ने यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID के साथ में भागीदारी की है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा फिलहाल मास्टर कार्ड ऑप्शन नंबर सी मास्टर कार्ड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। WGDP इनिशिएटिव के तहत में प्रोजेक्ट किराना लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड और USAID ने पार्टनरशिप किया हुआ है। अब ये प्रोजेक्ट किराना क्या है थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। ये जो प्रोजेक्ट किराना की बात हो रही है ये क्या है थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग हम लोगों की डेवलप हो जाए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या जानना चाह रहा है, क्या इसका आंसर होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो प्रोजेक्ट किराना जो होता है ये महिलाओं के लिए 2 साल का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, और ये यूपी के 3 शहरों में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कौन कौन से शहर हैं यूपी के, पहला है लखनऊ, ठीक है, दूसरा है कानपुर, ठीक है, और तीसरा कौन सा है बनारसी। यूपी के 3 शहरों में ये प्रोजेक्ट किराना जो है ये लॉन्च किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाना है इसको भी। कुल मिलाकर महिलाओं को फिनेंशियली इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाने के लिए प्रोजेक्ट किराना ये जो है ये लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर एक बात हुई थी किसकी, यहाँ पर बात हुई थी वुमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी इनिशिएटिव, जिसको कि हम लोग WGDP कहते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर बात हुई थी वुमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी इनिशिएटिव, जिसको कि हम लोग WGDP इनिशिएटिव बोलते हैं। तो ये क्या है थोड़ा सा इसको हम लोग जानते हैं क्या है ये। तो फॉर्मर US प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप जी थे उन्होंने फरवरी 2019 में इसको लॉन्च किया था, ट्रंप जी ने फरवरी 2019 में इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। और क्यों लॉन्च किया गया था, किस लिए लॉन्च किया गया था, तो महिलाओं के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए इसे लॉन्च किया गया था। और इसका ये टारगेट रखा गया था कि 2025 तक में 50 मिलियन महिलाओं को जो है इसके तहत में जो है मतलब टारगेट किया गया था, 50 मिलियन वुमेंस को, 50 मिलियन महिलाओं को प्रोजेक्ट किराना से जोड़ा जाएगा, उनको फिनेंशियली इकोनॉमिकली वीक स्ट्रांग करने के लिए जो भी प्रोजेक्ट है उसके लिए उनको यहाँ पर गाइड किया जाएगा इसके माध्यम से। मास्टर कार्ड ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तो मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा ये हमारे दिमाग में आना चाहिए था, तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में होगा, लगातार हर क्वेश्चन में बताता हुआ चल रहा हूँ तो याद हो गया होगा अभी तक। और यहाँ पर बात हुई थी USAID की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये Washington DC में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, कहाँ पर, Washington DC। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट डिजिटल ऐप आनंदा, किस बीमा कंपनी ने अपना डिजिटल ऐप आनंदा लॉन्च किया, ये नाम याद रखिएगा आनंदा, ठीक है ना, किस इंश्योरेंस कंपनी ने, किस बीमा कंपनी ने आनंदा नाम से अपना पहला डिजिटल ऐप लॉन्च किया, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। और LIC ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, LIC ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आनंदा नाम से LIC ने अपना पहला डिजिटल ऐप लॉन्च किया हुआ है, और ये आनंदा का फुल फॉर्म क्या होगा ये भी हमारे दिमाग में आना चाहिए था, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि आनंदा ही नाम हो, कई बार इसके फुल फॉर्म वगैरह भी होते हैं, तो ये चीज़ें दिमाग में हमारे स्ट्राइक करनी चाहिए कि आनंदा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो आनंदा का जो फुल फॉर्म होगा, आनंदा का जो पूरा नाम होगा वो हो जाएगा आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल ऐप, फिर से सुन लीजिए आप लोग, आनंदा का पूरा नाम क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल ऐप, ये जो है आनंदा का पूरा नाम हो जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का ये अपनी तरह का पहला ऐप है ये आनंदा, जो ये लॉन्च किया गया है, ठीक है, पेपरलेस तरीके से डिजिटली पॉलिसीज को सेल करने के लिए एजेंट्स के द्वारा ये ऐप जो है यूज किया जाएगा। आधार बेस्ड ई ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से ये सारे काम यहाँ पर किए जाएंगे इसके माध्यम से, ठीक है। तो फिलहाल LIC इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, LIC हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, और MR कुमार जो है वो इसके चेयरमैन हो जाएंगे। नेक्स्ट, व्हिच स्टेट हैज़ बीन अलॉटेड द मैक्सिमम लोन वर्थ ₹1357.93 crores फ्रॉम ₹397.31 crores बाई द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर अंडर द माइक्रो इरीगेशन फंड फॉर इम्प्लीमेंटिंग माइक्रो इरीगेशन प्रोजेक्ट्स। किस राज्य को सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को लागू करने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 3971.31 करोड़ रुपये में से अधिकतम 1357.93 करोड़ रुपये का ऋण आवंटित किया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है ना।
इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इसका हिंदी में मतलब होगा और ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। अभी क्या हुआ था कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा जो है माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए माइक्रो इरिगेशन फंड के रूप में टोटल जो है वो 3971.31 करोड़ रुपए ग्रांट किए गए थे। तो इसमें पूछा गया है कि इस 3971 करोड़ रुपए जो ये ग्रांट किए गए थे, इसमें से कौन से राज्य को सबसे ज़्यादा 1357.93 करोड़ रुपए मिले। तो ये अमाउंट भी आप लोग याद रखिएगा, ये वाला अमाउंट भी याद रखना है आप लोगों को, ये वाला अमाउंट भी याद रखना है कि टोटल कितना ग्रांट किया गया और टोटल में से सबसे ज़्यादा किसे दिया गया, इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए माइक्रो इरिगेशन फंड के तहत में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने अभी नवंबर में जो है 3971.31 करोड़ रुपए का जो है ये सब्सिडाइज्ड लोन अप्रूव किया था और इस सैंक्शनड लोन का सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वो 1357.93 करोड़ रुपए जो है ये तमिलनाडु को दिया गया है। उसके बाद में नंबर दो पर हरियाणा को दिया गया, हरियाणा को 790.94 करोड़ रुपए दिया गया, ठीक है, माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक। और अभी हम लोगों ने माइक्रो इरिगेशन फंड की बात की थी, यहाँ पर ये देखिए माइक्रो इरिगेशन फंड की भी बात हम लोगों ने की थी ना, ये रहा लिखा है, जिक्र किया गया इसका माइक्रो इरिगेशन फंड। तो क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये नाबार्ड के द्वारा क्रिएट किया गया है, नाबार्ड ने इसको क्रिएट किया हुआ है माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये नाबार्ड के द्वारा माइक्रो इरिगेशन फंड ये क्रिएट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की अगर हम लोग बात करें तो इसके मिनिस्टर कौन हो जाएंगे, तो नरेंद्र सिंह तोमर जी जो है वो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर हो जाएंगे। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो पुरुषोत्तम रूपाला और कैलाश चौधरी ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो जाएंगे। नरेंद्र सिंह तोमर की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है ये आप लोग कमेंट कर बताओ, याद आ रहा है तो, नहीं याद आ रहा है तो पता करो, फिर कमेंट कर बताओ। कुल मिलाकर अल्टीमेटली ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर इन मंडी डिस्ट्रिक्ट द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ पार्टनर्ड विद व्हिच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मंडी जिले में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस वित्तीय संस्थान के साथ में भागीदारी की है, और ऑप्शंस भी आप लोगों के सामने है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 15 करोड़ रुपये का टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क होना है, कितने का, 15 करोड़ रुपए का टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क होना है, जिसमें से कि 9 करोड़ रुपए जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दिए जाएंगे, बाकी के बचे हुए 6 करोड़ रुपए जो हैं वो राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाएंगे। जयराम ठाकुर जी यहाँ के सीएम हो जाएंगे, ठीक है। और नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करें तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यहाँ पर है, पिन वैली नेशनल पार्क यहाँ पर है, और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं अगर आप लोगों को कुछ याद आ रहा तो आप लोग कमेंट करिए। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज रिसीव्ड 74.31 करोड़ फ्रॉम द नाबार्ड अंडर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF टू स्ट्रेंथन रूरल कनेक्टिविटी एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। किस राज्य को ग्रामीण कनेक्टिविटी और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि RIDF के तहत में नाबार्ड से 74.31 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। नवंबर की यहां पर बात हो रही है तो नवंबर का है, नवंबर में कौन से राज्य को ये अमाउंट प्राप्त किया गया, अमाउंट मिला, ये अमाउंट भी आप लोग याद रखिएगा 74.31 करोड़ रुपये। कई बार सीधे पूछ लिया जाएगा कि किसको मिला और कितना मिला, ये बता दिया जाएगा कि नाबार्ड के द्वारा जो है RIDF के तहत में इतना इस राज्य को कितना फंड दिया गया। तो ये फंड अगर आप लोगों को याद नहीं रहेगा तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान से समझिए। मेघालय, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी मेघालय इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। RIDF की 26वीं किस्त के रूप में नाबार्ड ने मेघालय को 74.31 करोड़ रुपये दिए हैं, रूरल कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए दिए गए हैं। और यहाँ पर बात हुई है RIDF की, अभी यहाँ पर बात हुई थी RIDF की, ठीक है, RIDF की भी यहाँ पर बात हुई थी। तो RIDF यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 1995 से 96 के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2000 करोड़ रुपए की इनिशियल कैपिटल के साथ में इसे क्रिएट किया गया था, और ये RIDF जो है वो नाबार्ड के द्वारा मेंटेन किया जाता है। 31 अक्टूबर 2020 तक RIDF जो है अपनी फिनेंशियल असिस्टेंस को 26 किस्तें रिलीज कर चुका है। 31 अक्टूबर 2020 तक RIDF अपनी फाइनेंशियल असिस्टेंस की 26 किस्तें टोटल रिलीज कर चुका है। कितनी, 26 किस्तें टोटल रिलीज कर चुका है, और विभिन्न राज्यों में विभिन्न राज्य सरकारों को ये इन किस्तों के माध्यम से पैसे दिए गए हैं, ठीक है। और इन किस्तों के रूप में कितने रुपये अभी तक दिए जा चुके हैं, तो टोटल मिलाकर इन 26 किस्तों में 3 लाख
78,832 करोड़ रुपए नाबार्ड के द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को दिए गए हैं प्रोजेक्ट के लिए लोन असिस्टेंस के रूप में। ठीक है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा, जीआर चिंताला इसके हेडक्वार्टर इसके चेयरमैन हो जाएंगे। मेघालय की कैपिटल शिलोंग हो जाएगी, सीएम सी के संगमा हो जाएंगे, गवर्नर सत्यपाल मलिक हो जाएंगे। ये बात रही मेघालय की तो, और ये अभी इसको जो ये फंड मिला ये 74.31 करोड़ रुपये का, ये RIDF की 26वीं किस्त थी, कितनी 26 नंबर की। ठीक, तो मोटा मोटा सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी गई, आसाम इसका ऑप्शन नंबर डी मेघालय इसका आंसर होगा। बाकी और जो स्टेट हैं इनकी कैपिटल CM गवर्नर ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट, RBI हैज रिसेंटली इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन विड्रॉल फॉर 6 मंथ टू विच महाराष्ट्र बेस्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। RBI ने हाल ही में महाराष्ट्र स्थित किस शहरी बैंक को 6 महीने के लिए निकासी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। RBI ने जालना महाराष्ट्र बेस्ड मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 6 महीने के लिए जो है ये 6 महीने के लिए विड्रॉल पर रोक लगा दी गई है इसके द्वारा, RBI के द्वारा। बैंक इसके साथ साथ में बैंक जो है वो लोन भी ग्रांट नहीं कर पाएगा, कोई लोन भी नहीं दे पाएगा, विड्रॉल भी नहीं हो सकता है, बैंक कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाएगा बिना RBI के अप्रूवल के। कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना होगा तो RBI का अप्रूवल लेना जरूरी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा और जानकारी इसके बारे में इसी से रिलेटेड और लेते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ RBI ने क्या किया कि RBI ने 5 PUS यानी कि पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, ठीक है ना, इन पर भी जो है इनका जो सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन है वो कैंसिल कर दिया है। अब ये कौन कौन से 5 PUS हैं, नाम इनके सुन लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी से। इन पे पेनल्टीज वगैरह लगाने के बाद में, इन पे 6 महीने का विड्रॉल बैन करने के बाद में, ठीक है, इन पे लोन वगैरह नहीं देने की रिस्ट्रिक्शन के बाद में RBI ने इसी के साथ साथ में 5 PUS के का जो सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन होता है उसको कैंसिल कर दिया है। तो कौन कौन से वो 5 PUS हैं, तो उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा नाम सुन लेते हैं। पायरो नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, कार्ड प्रो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, एयरसेल स्मार्ट मनी लिमिटेड, इन कैश मी मोबाइल वॉलेट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम, ये 5 PUS हैं। ठीक है, यही नहीं, RBI का कहर यहीं पर नहीं खत्म होता है। RBI ने अभी इसी टाइम पर PNB पर भी 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी। अभी भी PNB पर पेनल्टी क्यों लगाई गई, थोड़ा सा इसको सुन लेते हैं। तो अनऑथराइज्ड बायलेटरल ATM शेयरिंग के लिए PNB पर ये पेनल्टी लगाई गई, और आगे भी सुनो, 5 नॉन बैंक PPI इश्यूअर्स पर भी पेनल्टी लगाई गई है RBI के द्वारा। इनके भी नाम सुन लो आप लोग, कौन कौन से नॉन बैंक PPI इश्यूअर्स हैं जिन पर पेनल्टी लगाई गई है RBI के द्वारा। तो ये हैं सोडेक्सो SVC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फोनपे प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, क्विक क्लेवर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस कंपनी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, इन पर भी पेनल्टी RBI के द्वारा लगाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं, RBI's इंटरनल वर्किंग ग्रुप हैज़ रिकमेंडेड टू रेज द प्रमोटर्स कैपिटल टू व्हाट परसेंटेज फ्रॉम 15% इन प्राइवेट बैंक। RBI के आंतरिक कार्य समूह ने प्रमोटरों की पूंजी को निजी बैंक में 15% से कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। तो 26% ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, 26% ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। RBI का इंटरनल वर्किंग ग्रुप जिसकी स्थापना जो है जून 2020 में की गई थी, जून 2020 में RBI का एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप बनाया गया था, ठीक है ना। अब ये क्यों इंटरनल वर्किंग ग्रुप बनाया गया था थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। तो इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की ओनरशिप गाइडलाइंस और कॉरपोरेट स्ट्रक्चर को रिव्यू करने के लिए ये इंटरनल वर्किंग ग्रुप बनाया गया था। तो इस ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट जो भी सबमिट कर दी है और कुछ रिकमेंडेशंस भी दिए गए हैं इस ग्रुप के द्वारा, ठीक है ना। इसके अनुसार जो भी रिकमेंडेशन दिए गए हैं उसके अनुसार प्राइवेट बैंकों में प्रमोटर्स की जो पेडअप जो हमारी पेडअप वोटिंग इक्विटी शेयर्स कैपिटल होती है उसे 15% से बढ़ाकर 26% तक करने को कहा गया है इनके रिकमेंडेशन में। तो यही 26% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्या क्या रिकमेंडेशन दिया गया थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो 50,000 करोड़ रुपए की जो हमारी NBFCs होती हैं, ठीक है, जो 10 साल या इससे ज़्यादा अधिक समय से अपनी सर्विसेज दे रही हैं, अच्छी तरह से अपनी सर्विसेज दे रही हैं और 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की उनकी वैल्यू है, उनको जो है बैंक में कन्वर्ट करने के लिए कंसीडर किया जा सकता है, ये इसकी रिकमेंडेशन है। दूसरा रिकमेंडेशन क्या दिया गया है, नए बैंकों को लाइसेंस देने के लिए मिनिमम इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट की जो लिमिट होती है उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस किए गए हैं। क्या चेंजेस किया गया है, इसे
500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, ठीक है ना, यूनिवर्सल बैंक्स के लिए। और अगर बात की जाए स्मॉल फिनेंस बैंक्स के लिए तो इसे 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर जो है इसे 300 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मिनिमम जो हमारा मिनिमम इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो यह है स्मॉल फिनेंस बैंक के लिए, यह है स्मॉल फिनेंस बैंक के लिए, ये है यूनिवर्सल बैंक्स के लिए, ठीक है ना। और पेमेंट बैंक्स जिनके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस है, वे सभी पेमेंट बैंक जिनके पास में 3 साल का ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है, वो स्मॉल फिनेंस बैंक में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत होता है किसी भी पेमेंट बैंक को स्मॉल फिनेंस बैंक में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस थे जो इस इंटरनल वर्किंग ग्रुप के द्वारा दिए गए। ये क्वेश्चन के फॉर्म में ये सारी चीज़ें पूछ ली गई, बाकी और जो चीज़ें मैंने बताई इसके क्या क्या रिकमेंडेशन थे, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। तो ये इसीलिए आप लोगों को वीडियो देखना जरूरी होता है। पीडीएफ में अब इतने सारे क्वेश्चन ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, पीडीएफ में सिर्फ एक क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोगों को बस। बाकी जो 10 मिनट से मैं इसकी पूरी कहानी बताई कि और क्या क्या रिकमेंडेशन थे, ये आप लोगों को पीडीएफ में नहीं मिलेगा। तो पीडीएफ सिर्फ आप लोग अपने रिवीजन के लिए रखिए, रिवीजन भी जरूरी है लेकिन वीडियो आप लोगों को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को मतलब पीडीएफ में नहीं दिया जा सकता है, नहीं तो फिर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, फिर आप लोग क्वेश्चन देख कर डिमोटिवेट हो जाएगा, अरे बाप रे इतना पढ़ना है कौन पढ़ेगा यार, ना तो ये चीज़ें भी नहीं हो सकती। तो वीडियो भी देखते रहिए, पीडीएफ भी रखिए अपने पास में रिवीजन के लिए। चलिए अगला देखते हैं। टू ऑफर कस्टमाइज्ड इंश्योरेंस सॉल्यूशंस टू इट्स कस्टमर्स व्हिच पेमेंट्स बैंक हैज पार्टनर्ड विद HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस, अपने ग्राहकों को अनुकूलित बीमा समाधान प्रदान करने के लिए किस पेमेंट बैंक ने HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस के साथ में जो है भागीदारी की है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और इसका जो आंसर हो जाएगा NSDL पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन नंबर ए NSDL पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कस्टमाइज्ड और अफोर्डेबल जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करने के लिए NSDL पेमेंट्स बैंक ने HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है। NSDL पेमेंट्स बैंक और HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस, ठीक है, इन दोनों का हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में, कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में इन दोनों का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, मुथूट फिनेंस हैज पार्टनर्ड विद जनरल इंश्योरेंस कंपनी टू प्रोवाइड इंश्योरेंस टू इट्स कस्टमर्स ऑन गोल्ड ज्वेलरी थ्रू मुथूट गोल्ड शील्ड। मुथूट फाइनेंस ने मुथूट गोल्ड शील्ड के माध्यम से अपने ग्राहकों को सोने के गहनों पर बीमा प्रदान करने के लिए किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ में भागीदारी की है, साझेदारी की है, पार्टनरशिप की है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर बी बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस इसका आंसर हो जाएगा। मुथूट फिनेंस ने बजाज एलियांज के साथ में मिलकर मुथूट गोल्ड शील्ड लॉन्च किया हुआ है और इसके माध्यम से ये अपने कस्टमर्स को गोल्ड ज्वेलरी पर इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करेगी। मुथूट फिनेंस के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो कोच्चि केरला में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है, मुथूट फिनेंस का हेडक्वार्टर कोच्चि केरला में हो जाएगा। बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर जो है ये पुणे महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। और ये मुथूट गोल्ड शील्ड, ये नाम भी आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मुथूट गोल्ड शील्ड जो है वो मुथूट फिनेंस ने किसके साथ में मिलकर बनाया लॉन्च किया, तो ये इस केस में बजाज एलियांज, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, इस केस में आंसर ये भी होगा। तो ये नाम भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सेंट्रल बैंक टू रीच 1 मिलियन फॉलोअर ऑन ट्विटर, ट्विटर पर 1 मिलियन अनुयायियों तक पहुँचने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक कौन सा है। वैसे तो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी ये पूछा नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये ट्रेंड में था, न्यूज़ में था, तो बस नॉलेज के लिए हम लोग इसको पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। RBI इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ट्विटर पर RBI के 10 लाख फॉलोअर हो गए हैं, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, ठीक है ना, 10 लाख फॉलोअर ट्विटर के हो गए हैं ट्विटर पर RBI के, और ये दुनिया का पहला ऐसा सेंट्रल बैंक है जिसके पास में 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। सेकेंड नंबर पर USA का जो है फेडरल बैंक है, फेडरल रिजर्व है, जिसके पास में 6.67 लाख फॉलोअर्स जो हैं वो ट्विटर पर हैं। HDFC Life has joined hands with which general insurance company to launch a combined insurance product click to protect corona kavach, ठीक है। HDFC Life ने किस general insurance company के साथ में मिलकर एक संयुक्त बीमा उत्पाद click to protect corona kavach लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। click to protect corona kavach जो है HDFC Life ने किसके साथ में, किस general insurance company के साथ में मिलकर लॉन्च किया, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। HDFC Ergo General Insurance ऑप्शन नंबर 20 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। HDFC लाइफ और HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस ने मिलकर क्लिक टू प्रोटेक्ट कोरोना कवच, ये नाम भी आप लोग याद रखिएगा, ये प्रोडक्ट का नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना,
क्लिक टू प्रोटेक्ट कोरोना कवच नाम से एक कंबाइंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है इन दोनों के द्वारा मिलकर, ठीक है। पॉलिसी का नाम भी आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन की फ्रेमिंग दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है ये कि क्लिक टू प्रोटेक्ट कोरोना कवच जो है किसके किसके द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया, तो इस केस में आप लोगों को फिर HDFC लाइफ और HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस लगाना होगा। तो नाम भी याद रखिएगा और किसके किसके द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया है ये भी आप लोग याद रखिएगा। HDFC लाइफ का एक प्रोडक्ट है क्लिक टू प्रोटेक्ट 3D प्लस और HDFC एर्गो का एक प्रोडक्ट है कोरोना कवच। इन दोनों प्रोडक्टों को, इन दोनों कंपनियों के अलग अलग प्रोडक्टों को कंबाइन कर ये पॉलिसी बनाई गई है, ये नया प्रोडक्ट बनाया गया है। तो इस नए प्रोडक्ट में, इस नई पॉलिसी में इन दोनों पॉलिसीज़ के बेनिफिट हैं इसमें। अब बहुत ज़्यादा पॉलिसी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें पॉलिसी बेचनी नहीं है, हमें इस क्वेश्चन को पढ़ना था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैक्सिमम पॉसिबल जो इन्फॉर्मेशन थी वो आप लोगों को बता दी गई। HDFC लाइफ और HDFC एर्गो इन दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। ICCI इन्वेंटिव ट्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज साइंड एन MOU विद विच बैंक टू एम्पावर SMEs एंड स्टार्टअप्स। ICCI इन्वेंटिव ट्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने SMEs और स्टार्टअप्स को सशक्त बनाने के लिए किस बैंक के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और HDFC बैंक ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। HDFC बैंक ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। SMEs और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए इन्वेंटिव ट्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने HDFC बैंक के साथ में एक MOU साइन किया है। विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद PNB MetLife इंडिया इंश्योरेंस टू लॉन्च प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू करने के लिए किस बैंक ने PNB MetLife इंडिया इंश्योरेंस के साथ में साझेदारी की है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और इसका जो आंसर होगा IPPB, इसका आंसर हो जाएगा IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लॉन्च करने के लिए IPPB ने PNB MetLife इंडिया इंश्योरेंस के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है। और यहाँ पर बात हो रही है PMJJBY की, यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की, तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो ये 2015 में लॉन्च की गई थी। कब लॉन्च की गई थी? 2015 में। किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? PM मोदी के द्वारा, ठीक है। PM मोदी के द्वारा 2015 में ये लॉन्च की गई थी। और ये लो कॉस्ट इंश्योरेंस स्कीम है ये। इसकी जो एज लिमिट है 18 से 50 साल, 18 से लेकर 50 साल तक के लोग जो है इसमें इंश्योरेंस करा सकते हैं। IPPB ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा। और IPPB का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? तो न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। आपका बैंक आपके द्वार, ये IPPB की टैगलाइन हो जाएगी। बाकी और बैंकों की टैगलाइन आप लोगों को पता होगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लग्जरी ऑटोमोबाइल ब्रांड पार्टनर्ड विद SBI फॉर द कस्टमर बेस टू सेल इट्स प्रीमियम कार्स। निम्नलिखित में से किस लग्जरी ऑटोमोबाइल ब्रांड ने अपनी प्रीमियम कारों को बेचने के लिए ग्राहक आधार के लिए SBI के साथ में भागीदारी की है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। इसमें ये पूछा गया कि कौन सी ऑटोमोबाइल लग्जरी ब्रांड ने SBI के साथ में पार्टनरशिप किया है जिससे कि उसको ग्राहक का बेस मिल जाए, कस्टमर्स का बेस मिल जाए, कि कौन कौन से कस्टमर हैं जो ज़्यादा अर्निंग करते हैं या जिनके अकाउंट में ज़्यादा पैसा है उन्हीं को ये कारें बेच सकें। तो कुल मिलाकर SBI से ये डाटा लेना चाह रहे हैं ऐसे लोगों का जो कि ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, जो कि जो है महंगी कारें अफोर्ड कर सकते हैं। इसी डाटा के लिए जो है ये पूछा गया कि कौन सी लग्जरी ब्रांड ने SBI के साथ में पार्टनरशिप की है। तो इसका जो आंसर होगा मर्सिडीज बेंज, ऑप्शन नंबर ए मर्सिडीज बेंज इसका आंसर हो जाएगा। मर्सिडीज बेंज ने अपनी प्रीमियम कारों को बेचने के लिए हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का पता लगाने के लिए SBI के साथ में पार्टनरशिप किया है, ठीक है ना। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी कि जो ज़्यादा लोग कमाते हैं, जिनकी ज़्यादा अर्निंग है, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, उनका पता लगाने के लिए SBI के साथ में ये पार्टनरशिप किया है। और इस समझौते के बाद में SBI के माध्यम से उसे पोटेंशियल कस्टमर्स की जानकारी मिल जाएगी जिससे कि ये डायरेक्टली उसे अप्रोच कर पाएंगे, डायरेक्टली उन कस्टमर्स को अप्रोच कर पाएंगे, डायरेक्टली उन कस्टमर्स से कांटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, जिससे कि उनकी कार वगैरह सेल हो, उनकी बूस्ट हो जाए। ऐसे अननेसेसरी, भाई हमको तो मर्सिडीज खरीदनी नहीं, तो हमको मर्सिडीज वाले कितना भी अप्रोच करें हम खरीद ही नहीं पाएंगे। तो इससे क्या होगा, इस समझौते से जो पार्टनरशिप हुई है उनको ऐसे लोगों की जानकारियाँ मिल जाएंगी कि जो मर्सिडीज अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये अग्रीमेंट, ये पार्टनरशिप किया गया है। और ऑनलाइन कार बुकिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है इन्हें इसके लिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसा ही हो गया कि बस बातचीत के लिए, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की गई है। ऑनलाइन कार बुकिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है और साथ ही साथ में योनो से बुकिंग करने पर 25,000 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जाएगा। अगर कोई SBI योनो से मर्सिडीज की जो प्रीमियम कारें हैं उनकी बुकिंग करता है कोई कस्टमर, तो उसे 25,000 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जाएगा। RBI हैज रिजेक्टेड द प्रपोजल ऑफ विच फिनेंस कंपनी टू एक्वायर 100% इक्विटी शेयर ऑफ IDBI एसेट मैनेजमेंट एंड IDBI MF।
आरबीआई ने आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट और आईडीबीआई एमएफ के 100% इक्विटी शेयर हासिल करने के लिए किस फाइनेंस कंपनी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और इसका जो आंसर होगा मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए मुथूट फाइनेंस लिमिटेड इसका आंसर हो जाएगा। मुथूट फाइनेंस ने आईडीबीआई एएमसी और आईडीबीआई एएमएफ के 100% शेयर को एक्वायर करने के लिए एक प्रपोजल दिया था, ठीक है। मुथूट फाइनेंस ने एक प्रपोजल दिया था कि वो आईडीबीआई एएमएफ के और आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट के एएमसी के 100% इक्विटी शेयर को एक्वायर करना चाहता है, जिसको कि आरबीआई ने रिजेक्ट कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए मुथूट फाइनेंस लिमिटेड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच बैंक हैज लॉन्च्ड एसएमएस पे फंक्शनैलिटी ऑन पीओएस टर्मिनल इन पार्टनरशिप विद वर्ल्ड लाइन। वर्ल्ड लाइन के साथ साझेदारी में पार्टनरशिप में पीओएस टर्मिनल पर किस बैंक ने एसएमएस वेतन कार्यक्षमता शुरू की है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। हिंदी अगर ना समझ में आए तो क्वेश्चन इंग्लिश में भी रहता है, इंग्लिश आप लोग पढ़ लिया करिए। मुझे लगता है कि इंग्लिश के कंपैरिजन में हिंदी के कंपैरिजन में इंग्लिश थोड़ा आसानी से समझ में आ सकती है, तो आप लोग वहाँ पर देख लिया करिए, क्योंकि हिंदी के कई शब्द ऐसे, उसकी फ्रेमिंग ऐसे हो जाती है, उसका ट्रांसलेशन ऐसे हो जाता है कि समझ में नहीं आता है कि क्या कहना चाह रहे हैं ये, तो आप लोग इंग्लिश भी आप लोग देखिएगा। इसका फिलहाल जो आंसर होगा यस बैंक, ऑप्शन नंबर बी यस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। व्यापारियों को रिमोट पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए पीओएस टर्मिनल पर एसएमएस पे फंक्शनैलिटी लॉन्च करने के लिए यस बैंक और वर्ल्ड लाइन ने पार्टनरशिप किया हुआ है, ठीक है। मर्चेंट्स अब इसके साथ साथ में, जो व्यापारी हैं वो भी इसके साथ ही साथ में कॉन्टेक्टलेस पेमेंट और रिमोट पेमेंट दोनों एक्सेप्ट कर सकेंगे। यस बैंक ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। मुंबई महाराष्ट्र यस बैंक की हेडक्वार्टर हो जाएगा। और यहाँ पर बात हुई थी वर्ल्ड लाइन की, तो वर्ल्ड लाइन का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, तो वर्ल्ड लाइन का हेडक्वार्टर जो है बेजोंस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। मैं लिख दे रहा हूँ कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, बेजोंस फ्रांस में जो है ये इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट, रेजोर पे हैज़ पार्टनर्ड विद व्हिच फाइनेंशियल सर्विस कंपनी टू लॉन्च द रेजोर पे एक्स कॉरपोरेट कार्ड्स फॉर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। रेजोर पे ने भारतीय उद्यमियों के लिए रेजोर पे एक्स कॉरपोरेट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस वित्तीय सेवा कंपनी के साथ में साझेदारी की है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, वीज़ा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। वीज़ा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। रेजोर पे और वीज़ा ने मिलकर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए अपनी तरह का पहला रेजोर पे एक्स कॉरपोरेट कार्ड लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। मिनिमम 20 लाख रुपये तक की क्रेडिट लिमिट होगी इस कॉरपोरेट कार्ड की, कितने की, 20 लाख रुपए तक की, मिनिमम नहीं मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट होगी, इस कॉरपोरेट कार्ड की 20 लाख रुपए, ठीक है। बिजनेस ओनर्स को 45 दिनों का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा सकेगा इसके माध्यम से। कुल मिलाकर बिजनेस ओनर्स स्टार्टअप ओनर्स की फिनेंशियल हेल्प की जाएगी इसके माध्यम से। तो इसका जो आंसर होगा वीज़ा ऑप्शन नंबर बी। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द ड्राफ्ट स्कीम ऑफ आरबीआई फॉर द अमलगमेशन ऑफ व्हिच बैंक विद डीबीएस बैंक इंडिया। केंद्र सरकार ने डीबीएस बैंक इंडिया के साथ किस बैंक के विलय के लिए आरबीआई की मसौदा योजना को मंजूरी दी है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। लक्ष्मी विलास बैंक ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। यूनियन कैबिनेट ने अभी इन दोनों बैंकों के इनके जो है विलय की मंजूरी दे दी है, बाकी हेडक्वार्टर वगैरह तो आप लोग सभी जानते ही होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज सोल्ड 35 लाख शेयर्स इन आवास फाइनेंसर्स थ्रू एन ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन। किस छोटे वित्त बैंक ने खुले बाजार लेन देन के माध्यम से आवास फाइनेंसर्स में 35 लाख रुपए के शेयर जो है ये बेचे हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग बताइए। ऑप्शंस भी आप लोगों के सामने दिए गए हैं, तो एक बार आप लोग खुद से भी आंसर देने की कोशिश किया करिए। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। जयपुर बेस्ड AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आवास फाइनेंसर्स में अपने 4.46% शेयर ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के थ्रू बेच दिए हैं, ठीक ना। 35 लाख जो शेयर हैं ये लगभग कितने शेयर हो जाएंगे, परसेंटेज वैल्यू अगर हम लोग इसकी बात करें तो 4.46% शेयर को जो है वो ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के थ्रू बेच दिए गए हैं। लगभग 530 करोड़ रुपए में इन्हें बेचा गया है, कितने में, 530 करोड़ रुपये में इन 4.46% शेयर्स को, यानी कि 35 लाख शेयर्स को ये बेचा गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। टू इन्हेंस इन्वेस्टर्स एजुकेशन सेबी हैज लॉन्च्ड व्हिच प्रोग्राम एज ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड इन्वेस्टर्स वीक WIW 2020। निवेशकों की शिक्षा को बढ़ाने के लिए सेबी ने विश्व निवेशक सप्ताह 2020 के एक भाग के रूप में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया, ठीक है। और ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, तो खुद से भी आंसर दीजिए इसका आप लोग एक बार। इसका जो आंसर होगा स्मार्ट्स ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए स्मार्ट्स इसका आंसर हो जाएगा। स्मार्ट्स का फुल फॉर्म पूरा नाम क्या होगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सिक्योरिटीज मार्केट ट्रेनर्स। फिर से सुन लीजिए आप लोग, सिक्योरिटीज मार्केट ट्रेनर्स, ठीक है ना। सेबी ने नवंबर में वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक के एक पार्ट के रूप में स्मार्ट्स नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, ठीक ना। अब ये वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक कब से कब तक सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ पर इसका जिक्र हुआ है, तो 23 से लेकर 29 नवंबर के बीच में जो है ये वर्ल्ड इन्वेस्टर्स वीक जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इस प्रोग्राम का उद्देश्य जो है इन्वेस्टर्स की एजुकेशन और अवेयरनेस को बढ़ाना है। इन्वेस्टर्स के लिए ये एजुकेशन प्रोग्राम जो ये है लॉन्च किया गया ये सेबी के द्वारा, ये ठीक है, स्मार्ट से जो ये लॉन्च नहीं किया गया ये प्रोग्राम सेबी के द्वारा, तो ये इन्वेस्टर्स के लिए जो ये एजुकेशन प्रोग्राम है ये फ्री ऑफ कॉस्ट में है, उनको कोई पैसा नहीं देना होगा। इसका जो भी खर्च आएगा वो सेबी के इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड के द्वारा बियर किया जाएगा। तो कुल मिलाकर इन्वेस्टर्स को कोई पैसा नहीं दिया जाएगा फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए, उनको अवेयर करने के लिए, जो उनको लिए ये हमारा एक एजुकेशन प्रोग्राम है स्मार्ट, इसके लिए इन्वेस्टर्स के ऊपर कोई बोझ नहीं आने वाला है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका खर्चा जो है वो सेबी के इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड के द्वारा बियर किया जाएगा। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। नेक्स्ट, व्हिच बैंक्स मार्केट कैपिटलाइजेशन एम कैप क्रॉस्ड INR 8 ट्रिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम। किस बैंक का बाजार पूंजीकरण एम कैप पहली बार 8 ट्रिलियन INR इंडियन रुपीज को पार कर गया, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। HDFC बैंक ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। HDFC बैंक ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। HDFC बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 8 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया है और ये इंडिया की तीसरी कंपनी है और पहली बैंक है जिसने ये माइलस्टोन हासिल किया है, जिसने ये माइलस्टोन अचीव किया है कि 8 ट्रिलियन INR से ज़्यादा जो है उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो, ठीक है ना। पहली दोनों कंपनियाँ कौन है, TCS और रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो पहली दोनों ऐसी कंपनियाँ हैं जिन्होंने ये माइलस्टोन हासिल किया था, माइलस्टोन अचीव किया था। तो फिलहाल इसका जो आंसर HDFC बैंक ऑप्शन नंबर सी। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। विच एंटिटी हैज सेंट 4 MOUs विद मिशन यूथ एंड द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू स्प्रेड फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता का प्रसार करने के लिए किस इकाई ने मिशन यूथ और जम्मू कश्मीर सरकार के साथ में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और BSE लिमिटेड ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। BSE लिमिटेड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पुराना नाम है इसका, BSE लिमिटेड इसका आंसर हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर के यंगस्टर को फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करने के लिए, BFSI सेक्टर में अपना करियर बनाने के लिए, ठीक है ना, BFSI सेक्टर में अपना करियर बनाने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए, उन्हें प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए, ठीक है, BSE लिमिटेड ने मिशन यूथ और जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के साथ में एक MOU साइन किया है। यहाँ पर ये बात हो रही है BFSI की भी, हम लोगों ने एक टर्म यूज किया, तो BFSI क्या हो जाएगा, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, ठीक है ना। इस सेक्टर में उनको जॉब वगैरह कैसे मिलेगी, क्या क्या कोर्स करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयर करने के लिए BSE लिमिटेड ने मिशन यूथ और जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उसके साथ में 4 MOUs पर साइन किए हैं। प्रोग्राम के फर्स्ट फेज में 400 यूथ, ठीक है ना, इस प्रोग्राम के पहले फेज में 400 यूथ को जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद में धीरे धीरे प्रोग्राम बढ़ता जाएगा और लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो आपका आंसर जो फिलहाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BSE लिमिटेड ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बाकी और भी जो ऑर्गेनाइजेशन दिए गए हैं इनके बारे में कुछ ना कुछ जानकारियाँ आप लोगों को पता होंगे ही, ठीक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने नवंबर लास्ट वीक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कंप्लीट कर लिया। नवंबर का कुछ भी पेंडिंग नहीं है, दिसंबर के 2 हफ्तों का पेंडिंग रह रहा है फर्स्ट वीक का, वो भी बहुत ही जल्दी आप लोगों को मिल जाने वाला है। और इस नवंबर की PDF जो है इस वीडियो के अपलोड हो जाने के 2-3 घंटे के बाद में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर या फिर फेसबुक ग्रुप पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। हमारा फेसबुक ग्रुप भी है, फेसबुक पेज भी है, इंस्टा पर भी मैं पाया जाता हूँ, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है अपना, व्हाट्सअप भी है, ट्विटर पर भी हम लोग मिलते हैं। तो ये तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जो लिंक है वो नीचे डिटेल में दी गई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जहाँ से इजीली कनेक्ट हो सकते हैं वहाँ से इजीली कनेक्ट हो जाइए। PDF वगैरह भी आप लोगों को यहाँ से आसानी से मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।